Hello everyone, I hope you all are doing well. Today let us try to understand one more important topic, that is the concept of mainstreaming. Agar hum dekhenge, bahut sare learners ko confusion hota hai ki inclusion aur mainstreaming mein kya difference hai, inclusion versus integration mein kya difference hai. Agar hum previous lecture dekhenge, usme in depth humne samajhne ki koshish ki ki difference kya hai inclusion versus integration ki. Aaj ka jo main hai wo focus rahega mainstreaming kya hai, pehle hum uska introduction dekhenge. आप एक बात याद रखेंगे कि ये जो तीनों टर्म्स है ये आपस में इनकी बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, दे आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो टुडे लेट अस फोकस ऑन मेनस्ट्रीमिंग. अगर हम देखेंगे मेनस्ट्रीमिंग सिंपली मींस दैट अ स्कूल इज पुटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इनटू क्लासरूम्स विद देयर पीयर्स हु हैव नो डिसेबिलिटीज. इससे हमें क्या समझ आता है, जो मेन स्ट्रीमिंग है इसमें हम रेगुलर एजुकेशन क्लासेस को कंबाइन करते हैं विद स्पेशल एजुकेशन क्लासेस. मेन मोटिव क्या है, हमें सेग्रीगेशन से बचाना है ताकि हम जो स्टूडेंट डिसेबल है उनको हमें सेग्रीगेट नहीं करना है, उनको हमें एक्सक्लूड नहीं करना है. नेक्स्ट, मेन स्ट्रीमिंग अगर हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मेन स्ट्रीमिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज इन अ जनरल एजुकेशन क्लासरूम during specific time periods based on their skills. इसको हम थोड़ा सा क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट को. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी. अगर ये डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, अगर ये अटेंड करेंगे कोई आर्ट्स की क्लास या कोई फिजिकल एजुकेशन की क्लास रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम में, कभी कभी यही स्टूडेंट जो है इनको ये अटेंड करेंगे मैथमेटिक्स या साइंस की कोई क्लास सेल्फ कंटेन्ड स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में, और यही स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर में कर सकते हैं अटेंड इंग्लिश जनरल एजुकेशन क्लासरूम में. यही इसका मेन इंपॉर्टेंट मीनिंग है मेन स्ट्रीमिंग का, और यही इनको वैरी करता है इंटीग्रेशन से. अगर हम देखेंगे स्कूल्स दैट प्रैक्टिस मेन स्ट्रीमिंग बिलीव दैट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हु कैन नॉट फंक्शन इन अ जनरल एजुकेशन क्लासरूम टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिलोंग इन द स्पेशल एजुकेशन. यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स एसेस करते हैं, इसको हम ऑफन एक टर्म से यू टर्म इनके लिए यूज की जाती है, वो है सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम और रिसोर्स रूम्स, जो इनके लिए बहुत ही वैल्यूबल होते हैं फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी. और मेन स्ट्रीमिंग में इस चीज का बहुत ही ख्याल रखा जाता है. अगर हम देखेंगे बहुत सारे मेन स्ट्रीमिंग, अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करेंगे, मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ द स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम. व्हेन दे एंटर द रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स, दिस इज सिंपली कंसिडर्ड एज मेन स्ट्रीम. अब अगर हम देखेंगे बहुत सारी स्टडीज है हुई है और उन्होंने ये रिवील किया है कि जो मेन स्ट्रीमिंग है उससे उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है. अगर हम देखेंगे बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट इन बेनिफिट्स है डिसेबल्ड बच्चों को और नॉन डिसेबल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. पहले हम देखेंगे अगर इसके बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के साथ इनको क्या बेनिफिट्स है. मेन स्ट्रीमिंग नाउ बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज. सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो है हायर एकेडमिक अचीवमेंट. हमें स्टडीज इस पे की गई, जो भी इस पे रिसर्च किया गया उससे हमें ये इम्पोर्टेंट बात सामने आई कि एकेडमिकली जो है बहुत ही इफेक्टिव होते हैं वो बच्चे जिनको हम मेन स्ट्रीम में डालते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्सक्लूड नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्सेल ही हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. अगर हम इनको एसेस देते हैं रिसोर्स रूम की, इजिली डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इनको मिलती है टीचर से, स्पेशल एजुकेशन ट्रेनर से, तो उससे हमें क्या होता है कि जो इनकी एकेडमिक स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है. ऑब्वियसली बाकी भी एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है इनको. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एडवांटेज, वो है हायर सेल्फ एस्टीम. स्टडीज ने ये रिवील किया कि जब हमने स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया रेगुलर क्लासरूम में, जब हमने बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही इंक्रीज हुई. हमने एक रिसर्च की गई है कैलिफोर्निया में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एसेस किया जब उन्होंने मेन स्ट्रीम, जब वो ओल्ड स्कूल से आए थे फिर हमने उनको मेन स्ट्रीम में डाला, जब उनका इवेल्युएट किया गया वहां पे हमें रिजल्ट्स ने दिखाया कि 96% स्टूडेंट जो डिसेबल्ड से थे उनको ये लगा कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गई. 3% को ये लगा कि उनको सेम एक्सपीरियंस फिर से रहा जब जो उनको रहता था जब उनको हम एक्सक्लूड करते थे. और 1% स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि उनको
फिर भी लग रहा है कि वो लेस सेल्फ एक्सटीम वाले हैं। अगर हम ओवरऑल देखते हैं इस रिसर्च का क्रक्स, उससे हमें ये समझ आता है कि स्टूडेंट्स को लगा कि दे वेयर नाउ इक्वल टू देयर पीयर्स एंड फेल दैट दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एनी डिफरेंटली। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है एडवांटेज, वो है बेटर सोशल स्किल्स। बेटर सोशल स्किल्स में अगर हम कोई भी इंक्लूजन की प्रैक्टिस देखेंगे, इंक्लूजन प्रैक्टिस ही है, जैसे इंटीग्रेशन है ये इंक्लूजन का एक प्रैक्टिस है, मेन स्ट्रीमिंग है ये भी इंक्लूजन का है, क्योंकि एंड में जो कंक्लूजन है हमें इनको इंक्लूड ही करना है। बट ये आप हमें प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, इंक्लूजन तक कैसे हम पहुंचेंगे। जो मेन इंक्लूजन की प्रैक्टिस है इस टाइम हम मेन स्ट्रीमिंग की अगर बात करेंगे, इससे क्या हमें देखा कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स है उनको सोशल जो है सोशल स्किल्स उनमें डेवलप हो गए। किससे? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट दे गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड डेफिनेटली लेटर ऑन दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द रेगुलर कम्युनिटी। अगर हम देखेंगे सिर्फ बेनिफिट मेन स्ट्रीमिंग से स्टूडेंट्स को नहीं मिला जिनको डिसेबिलिटी थी, बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को भी मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो है, नाउ बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स विद नॉन डिसेबल्ड, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें लगा कि जो नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, रिसर्च स्टडीज ने फिर से रिवील किया ये कि जो आप हम इनको एक ही साथ पढ़ाते हैं डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड, उससे हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस जो डेवलप होती है बच्चों में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है इसका, स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज हु आर एंगेज्ड इन एन इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम रिपोर्टेड इंक्रीज इन टॉलरेंस सेल्फ वर्क एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसी को हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझ आती है, द स्टूडेंट्स ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द इंक्लूजन प्रोग्राम वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिपेयर्ड देम टू डील विद डिसेबिलिटी इन देयर ओन लाइव्स। देन अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, इंक्लूजन वर्सेज मेन स्ट्रीमिंग, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या इनमें मेन डिफरेंस है। Inclusion जो है, simply the student regardless of ability is a participating member of a general education classroom, while as in mainstreaming the student must meet a set of criteria to participate in a general education classroom. Next is the curriculum is adapted and modified to meet the student's needs, while as in mainstreaming the student must demonstrate ability to work with existing curriculum. In inclusion, the general education teacher oversees the student's education, while as in mainstreaming, the special education teacher oversees the student's education. यहाँ पे मैं आपको एक important बात बोलूँगी, इसमें आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स पे बहुत सारी differences लिखी है, आप वो खुद पढ़ेंगे, जो highlighted differentiation जिससे आपको पूरा याद रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और इससे पहले जो मैंने एडवांटेजेस बोले, बेनिफिट्स बोले कि डिसेबल्ड को क्या मिलता है मेन स्ट्रीम या नॉन डिसेबल्ड, उसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं जितना आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा होगा। मैंने मेनली फोकस किया जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, स्टे होम, डोंट पैनिक, बीट द पेंडेमिक। थैंक यू।